अभिनय करने वाली है पोदार हाउस में वापसी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ आने वाले एपिसोड में आने वाले हैं कई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिनय और क्रिश एक रेस्टोरेंट में गए हैं, जहाँ क्रिश अभिनय को अपनी पहली सैलरी आने के लिए पार्टी दे रहा है। वहीं आगे आप देखेंगे कि अरमान और रूही भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, और जैसे ही अभिनय पीछे मुड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। उसके बाद क्रिश अभिनय से जिद करता है कि आप भी यही इन लोगों के साथ ही बैठ जाइए, और लेकिन बहुत मना करने के बाद अभिनय फिर वहाँ बैठ ही जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही वो बैठने जा रही होती है, वो एकदम से अरमान के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर रूही काफी ज्यादा जेलस हो जाती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि अपने पार्टी देने के बाद क्रिश अपना वॉलेट वहीं टेबल पर भूल जाता है, जिसे अभिनय बाद में क्लब जाकर उसे वापस करने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ पोदार हाउस में माधव अपने लिए नया घर देख रहा है, और तभी विद्या वहां आकर उससे पूछती है कि क्या वो सच में जा रहा है, और उसने अपना घर भी देख लिया है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे अभी भी रोक सकती हो, 2 दिन पूरे होने में अभी भी टाइम है, लेकिन विद्या कहती है कि आपको जो करना है वो करें। वहीं आगे आप देखेंगे कि अभिनय क्लब पहुंचकर क्रिश का वॉलेट वापस करने पहुंचती है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसके बाद अभिनय को टीवी न्यूज में दिखाया जाता है, और ये कहा जाता है कि अभिनय को एक रेव पार्टी से अरेस्ट किया गया है। जिसके बाद संजय अभिनय पे बहुत सारे इल्जाम लगाता है, लेकिन अरमान उसके सपोर्ट में खड़ा रहता है। उसके बाद अरमान वहां से जाकर अभिनय को बचाने के लिए तेजी से भागता है। वहीं आप देखेंगे कि अभिनय पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि उसने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है, जिसके बाद पुलिस अभिनय को छोड़ देती है, और तभी उसके बाद अरमान और अभिनय के बीच में भी एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहां आप देखेंगे कि अभिनय गलती से अरमान के चश्मे पर हाथ मार देती है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ खड़े होके ऑर्डर सुनूं। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादीसा अरमान से अभिनय को वापस लाने के लिए कहती हैं, लेकिन रूही अरमान से हाथ जोड़कर विनती करती है कि अगर अभिनय इस घर में वापस आई तो अरमान और रूही का कोई भी फ्यूचर नहीं रह जाएगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि अभिनय अचानक से दादीसा के पैरों में गिरकर उनसे अपने सारे किए के लिए माफी मांग रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर अभिनय पोदार हाउस में वापस क्यों आना चाहती है। वेल, ये तो अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।